Thank you, Bhaributtar. Thank you so much. तूने सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। मिस्टर बंसल की कोई गलती नहीं। जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार शक्ति चाचू है। इस बार मैं शक्ति चाचू को नहीं छोड़ूंगा। अरे बारी, क्या कर रहा है बारी पुत्र? अरे बता मैनू क्या कर रहा है तू? बारी जवाब देना क्या कर रहा है? बता तू कहाँ जा रहा है? मम्मा शक्ति चाचू के पास जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तो क्या करूँ मम्मा? चुपचाप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो? सबक ना सिखाऊ उन्हें? सिखाएंगे हम सबक बारी उसे। एक और गल बारी, शक्ति के लिए ही सही, पर इसी बहाने से कम हमें हमें राजीव जी और बंसल परिवार तो मिला है ना? हाँ मम्मा, वो मिस्टर बंसल जिनके साथ आपका रिश्ता सिर्फ 26 दिन का रह गया। मिस्टर बंसल से ना सिर्फ आपको ही प्यार नहीं हुआ, मुझे भी हुआ है। एक बार ना अपने पापा को खो चुका हूं, 26 दिन में ना दोबारा खो दूंगा। अब क्या सोच रहा है तू? एक आइडिया मम्मा। कैसा आइडिया? क्यों ना इस एक्सपायरी डेट को सच में एक्सपायर कर दे। ये तो इम्पॉसिबल है ना? अरे मम्मा, फिर से कोई ऐसा आइडिया सोचो ना कि इम्पॉसिबल भी कहे। इम्पॉसिबल जी, इन 26 दिनों को मैं कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ? बाबा जी कोई तो रास्ता दिखाओ। मैंने पूछा वो फाइल कहाँ है? टीटू भैया मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? ना। हाँ? कुछ नहीं किया तूने? जानवी की जो इंश्योरेंस वाली फाइल है वो तूने सबमिट नहीं करवाई? ना, इसने ना करवाई, बल्कि मैंने इसे दी थी। इसने उठा के दे दी किसी एजेंट को। सब एक से एक धुरंधर भरे पड़े इधर बस। पापा मैंने आपको मना किया था, मुझे वो जानवी के इंश्योरेंस के पैसे नहीं चाहिए। आप फिर भी चुप कर भाई, तू फालतू वाली बहस कर रहे हैं। वो पैसा हमारी बहू की अमानत है और उस अमानत को उसके बच्चों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। इसलिए ना मैंने थारी सुनी ना किसी और की, अपने दिल की सुनी, इसलिए मैंने थारी बात बीच में काटी। काटना होगा वैरी पुत्र, जैसे जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, ठीक वैसे ही इस एक्सपायरी डेट के जहर को ना वो जहरीला इंसान काटेगा जिसकी वजह से ये सियाप्पा शुरू हुआ है। कौन जहरीला इंसान मम्मा? शक्ति चाचू। अब शक्ति ही मेरे बिगड़े हुए काम को बनाएगा। काम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। आप दोनों ने ये सही नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। अब शक्ति वही करेगा बैरी जैसा मैं प्लान करूंगी। सारा प्लान बड़ा हुआ है। अब तक तो इंश्योरेंस एजेंट कार एक्सीडेंट में मारे हुए इंसान की पत्नी को एनओसी साइन करवाने के लिए भेज भी चुका होगा। कल तक फाइल हाथ में आ जाएगी। शायद इस तरह ही आपको सच्चाई का पता चलना था दलजीत जी, और इस एनओसी को पढ़ते ही आप इस रिश्ते को खत्म करके हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। कभी नहीं चाहूंगी, इस जन्म में मैं राजीव जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारे रिश्ते में इस एक्सपायरी डेट का कोई काम नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए, इस एक्सपायरी डेट को मैं मिटाकर ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इस रिश्ते की एक्सपायरी डेट अब कल आके रहेगी, कल खत्म हो जाएगा हम दोनों का रिश्ता। थैंक यू सर, अगर आप नहीं होते तो मर्डर के इल्जाम में मुझे सजा हो जाती, जबकि सच तो यही है कि मर्डर मैंने ही किया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ बारी पुत्र। शक्ति चाचू आप यार इस तरह मेरे कमरे में ये बंदूक क्यों निकाली आपने? गन? हेलो बैरी। खून के लिए। खून? खून है ना तू मेरे खानदान का, और तू प्रॉब्लम में। अब अगर मैं तेरे पास नहीं आता तो मेरा खून बुरा मान जाता। मैं तेरी तरह धोखेबाज नहीं हूं ना बैरी, जो अपने खून को धोखा दे दे। ये प्रॉपर्टी राजीव बंसल के हाथ ना लगे इसलिए मैं इसे अपने नाम पे कराना चाहता था तुम्हारे लिए। उसके लिए मैंने साम दाम दंड भेद जो कर सकता था सब किया, लेकिन क्या किया तुमने? कोर्ट में मुझे ही धोखा दे दिया, अपना बयान बदल दिया। अदालत को बता, बता सबको कैसे राजीव बंसल ने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, कैसे राजीव बंसल के परिवार ने तेरे ऊपर अत्याचार किए। बता, तेरी इस हालत का जिम्मेदार ये आदमी है। नहीं, मिस्टर बंसल ने मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया,
भतीजे, धोखा एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार किसी इंसान के अंदर आ जाए ना तो जाता नहीं है, अंदर ही रहता है। एक बार तू मुझे धोखा दे चुका है, इस बात की क्या गारंटी कि तू दोबारा मुझे धोखा नहीं देगा? आप ना बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं मानता हूं मैंने आपको धोखा दिया, पर चाचू मैं आपको दोबारा धोखा नहीं दूंगा। चाचू मुझे अपनी गलती का एहसास ना हो चुका है। चाचू अगर मुझे आपको धोखा देना ही होता तो मैं आपकी दोबारा क्यों मांगता? एक लास्ट टाइम प्लीज मुझ पे विश्वास कर लीजिए। विश्वास? नहीं, विश्वास ही करना चाहता हूं, लेकिन बेटा अगर इतनी आसानी से मैंने विश्वास कर लिया तुम पर तो मेरा वो शक बुरा मान जाएगा मेरा। ये जो विश्वास का जो फैसला है ना, ये ना तो तू तय करेगा ना मैं तय करूंगा। विश्वास के फैसले को तय करेगी ये बंदूक। बंदूक? बंदूक उठा, बंदूक बंदूक उठा। अरे अभी तो तुम विश्वास की बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, अब क्या हुआ? उठाओ बंदूक, दिलाओ विश्वास। मैं तेरी समस्या को जड़ से खत्म करूंगा। कैसे? ऐसे, मैं बताता हूं कैसे। तू चाहता है ना कि तेरी समस्या जड़ से खत्म हो जाए? हाँ। पक्का? पक्का। पूरी तेरी समस्या? पूरी। उठा उठा उठा, मार दे गोली राजीव बंसल को। राजीव जी चिंता नहीं करते, तेरा चाचा वकील है, वकील एडवोकेट, कुछ नहीं होने देगा तुझे, कोई केस वेस नहीं बनने दूंगा, समझ गया? अच्छा मैं तुझे ना मैं काउंट दूंगा, तुझे किक मिलेगी, ठीक है? जैसे ही 5 बोलूंगा ना तू कर था, था, चला देना गोली। 1 2 3 तैयार रहे। हाँ 5 आ रहा है। 4 तैयार रख। 5 7 फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।